नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकवार्ता न्यूज। हमारी खबरें देखने के साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। राजस्थान में भाजपा ने विधानसभा चुनाव से पहले कई वादे किए थे, लेकिन लगता है ये वादे कहीं वादे ना रह जाए, प्रदेश के युवाओं के साथ धोखा ना हो जाए, क्योंकि अभी जो हो रहा है उसे देखकर यही लग रहा है। साथ ही बड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आरपीएससी पेपर लीक मामले की सीबीआई से जांच की मांग पर सरकार की हिम्मत क्यों नहीं हो रही है। ये चुनाव से पहले भाजपा की मुख्य मांग थी। साथ ही ये सवाल भी खड़ा हो रहा है कि क्या एसओजी बड़े मगरमच्छ पकड़ पाएगी या नहीं, युवाओं के सपने पूरे होंगे या नहीं, क्या करोड़ीलाल मीना की मेहनत जाएगी। ये सभी सवाल आज चर्चा का विषय बन गए हैं। गौरतलब है कि शुरू से ही पेपर लीक मामले की सीबीआई से जांच कराए जाने की युवा लगातार मांग कर रहे हैं। उसका एक कारण यह भी है कि राज्य की कोई भी जांच बड़े मगरमच्छों पर हाथ नहीं रख सकती, क्योंकि पुलिस प्रेम जो बीच में आ जाता है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा शुरू से ही सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। साथ ही नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने पूर्व में लोकसभा में सीबीआई से पेपर लीक की मांग पुरजोर तरीके से उठा चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक ये चर्चाएं जोरों पर है कि महीनों से एसओजी थानेदार भर्ती की जांच की जा रही है, लेकिन आरपीएससी के पूर्व अध्यक्ष संजय श्रोत्री से आज तक पूछताछ नहीं की गई। वहीं आरपीएससी के हैंडबुक में स्पष्ट लिखा हुआ है कि हर गड़बड़ी के लिए अध्यक्ष जिम्मेदार होगा। श्रोत्री ने तो रामू राम रायका की बेटी का इंटरव्यू लिया था। बेटे का इंटरव्यू बाबूलाल कटारा ने लिया था, ये तो आज तक के भीतर की बात है। लेकिन यह सवाल ये है कि क्या एसओजी का पुलिस प्रेम नहीं है। सूत्रों के मुताबिक ये चर्चा ये भी है कि एसओजी भी जांच के नाम पर छोटे छोटे बदमाशों को पकड़ रही है। ऐसे कई बड़े नाम हैं जिनसे पूछताछ हो तो पूरा खेल सामने आ जाएगा, लेकिन ऐसे लोगों से पूछताछ नहीं की जा रही है। सरकार के कुछ मंत्री विधायक भी सरकार के रवैये से खुश नहीं हैं, क्योंकि उन्हें उपचुनाव, नगर निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव नजर आ रहे हैं। परिणाम अनुकूल ना आया तो राज्य में राजनीतिक उठापटक की पूरी संभावना नजर आ रही है। कुछ नेता तो नए कपड़े सिलवाकर इसी फिराक में हैं। सूत्रों की माने तो ये चर्चाएं भी हैं कि एसओजी पूर्व अध्यक्षों से पूछताछ नहीं कर सकती, जैसे दीपेंद्र उप्रेदी, भूपेंद्र यादव, शिव सिंह राठौड़ और संजय श्रोत्री से सीबीआई ही पूछताछ कर सकती है। एसओजी से तो मोहन पासवाल की ही जांच नहीं हो पा रही है। अब यहाँ देखने वाली बात होगी कि क्या भाजपा अपने इन पूरे वादों पर खरा उतरती है या नहीं। हमारी खबर को देखने के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।